Hello students, welcome to the online classes. My name is Didi Dixit. Today we will start a new chapter, that is separation of substances. So students, in the previous chapter we have studied about grouping of substances or classification of materials. ठीक है, हम लोगों ने classification of materials पढ़ा कि किस तरह से हम materials जो अलग अलग हमारे around available हैं उनको हम classify करते हैं opaque में, translucent में, transparent में, depending upon कि उनके अंदर से light pass करती है या नहीं करती है। फिर हमने ये देखा था कि कुछ मटेरियल सॉल्यूबल हैं या नहीं सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल हैं। तो अब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हमारे पास हमारे अराउंड अवेलेबल हैं, अगर हमें उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करना हो तो हम कैसे करें। मान लीजिए दो सब्सटेंसेज आपस में इंटरमिक्स हो गई हैं, हमें उन्हें अलग करना है, तो हम लोग अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके उनको अलग अलग कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। तो इस चैप्टर में हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि नेचर में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स्ड भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं आपस में मिक्स्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सब्सटेंसेस या ये जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, कभी कभार कुछ अनडिजायरेबल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दाल बनानी है तो दाल के अंदर कभी कभी कुछ एक कंकड़ या छोटे छोटे पेबल्स भी मिक्स होकर आते हैं, तो हमें उन पेबल्स को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वो हमारी दाल में मिक्स होंगे तो हम लोगों को दाल खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कंकड़ आएंगे और वो हमारे मुंह में आएंगे, इसलिए हमें उनको अलग करना पड़ता है। तो ऐसे आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अपनी मदर को जब वो राइस को, ग्रेन्स को और पल्सेस को बिफोर कुकिंग जो है उनको क्लीन करती, तो क्लीनिंग जो होती है इट इज़ डन। क्लीनिंग क्यों की जाती है? इट इज़ डन टू रिमूव स्टोन्स, इंसेक्ट्स या छोटे छोटे एग्ज होते हैं जो जानवरों के, उनको रिमूव करने के लिए क्लीनिंग जो है वो की जाती है, तो ताकि जब हम लोग उनकी कुकिंग करें तो वो हमारे खाने में ना आ पाए। तो इसलिए हम उनको वॉशिंग भी करते हैं ताकि उनके अंदर से जो डस्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसलिए भी क्लीनिंग की जाती है या इसलिए भी सेपरेशन किया जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं? तो हम लोग सेपरेट इसलिए करते हैं, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस को हम लोग स्टोन से क्यों सेपरेट करते हैं? तो राइस को हम लोग स्टोन से इसलिए सेपरेट करते हैं क्योंकि कुक्ड राइस में अगर स्टोन्स आएंगे तो वो हमारे दांतों के बीच में आएंगे और वो हमें खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम क्यों करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम लोग क्या करते हैं कि जो दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो गए हैं उनको अलग करने के लिए भी करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस और कौन कौन से तरीके की हो सकते हैं? सेपरेशन चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मिल्क के अंदर से अगर हमें बटर निकालना है तो भी हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। किसको? बटर को अलग करते हैं, किससे? मिल्क से। दो अच्छी चीजें हैं जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं और दोनों ही हमारे काम की चीजें हैं। थर्ड, सेपरेट टी लीव्स, जब हम लोग चाय बना लेते हैं तो जब टी लीव्स हम लोग चाय में डालते हैं तो उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चाय पियेंगे तो टी लीव्स हमारे मुंह में आएंगे, ठीक है, इसलिए भी हमें सेपरेशन करना पड़ता है। तो हम लोग सेपरेशन किस लिए कर सकते हैं? सेपरेशन हम लोग इसलिए कर सकते हैं कि दो यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना हो, दो यूजफुल सब्सटेंसेस को कब अलग कर सकते हैं? जब हमें मिल्क को बटर से अलग करना हो, दो ऐसे अनयूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना हो, जैसे कि मान लीजिए स्टोन को हमें राइस से अलग करना हो तो भी हम लोग नॉन यूजफुल कंपोनेंट को यूजफुल कंपोनेंट से अलग कर रहे हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, यानी कि जो हार्मफुल कंपोनेंट होगा हमारे खाने के अंदर उसको रिमूव करना हो तो भी हम लोग सेपरेशन करते हैं। तो व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो सेपरेटेड आउट कंपोनेंट है हम उसके साथ क्या करते हैं? तो वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, या फिर वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज, हम लोग इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। जैसे राइस के केस में हम लोग किसको हटा रहे हैं? राइस के केस में जो सॉलिड कंपोनेंट है हम लोग उसको हटा रहे हैं, जो कि स्टोन है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, अब जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर बचेंगी हम इसके अंदर से उसको हटा देंगे। सेपरेट टी लीव्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, इसमें ये सारे के सारे आपस में मिक्स हो गए हैं, हम इनको सही से लिखेंगे। सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, ये इसके साथ मैच होता है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। टर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो ये जाएगा इसके साथ, ये आपस में इंटरमिक्स हो गया है। टू रिमूव हार्मफुल इम्प्योरिटीज, ये ठीक है। अब ये वाला भी मिक्स हो गया है, ये गलत दिया हुआ है, आपको सही करना है, आपको वन को बी के साथ मैच करना है, ठीक है, और टू को मैच करना है ए के साथ, गलत दिया हुआ है आपकी बुक में।
Then what we do with the separated components, we throw away the solid component. अब solid component अब इसमें फेंकते हैं, ये ठीक है. Rice के केस में हम लोग जो stone है उसको अलग कर देते हैं. Churning milk to obtain butter, we throw away the impurities. Impurities जो है ये वाला part जो है वो इसके अंदर जाएगा, ठीक है. C, C के साथ match होगा. We use both the components. यहाँ पर हम लोग ये जो components है milk और butter वाला, ये पूरा का पूरा हमारा इसके साथ. तो ये टेबल जो है आपस में मिक्स हो गया है, तो आपको ये सही करना है, ठीक है. गलत दिया हुआ आपको, राइट. देन आता है, तो हम इन्हीं सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड्स को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जो दो सब्सटेंसेस है उनको आपस में से सेपरेट करते हैं. तो डू यू नो व्हाट इज बीइंग डन इन द फिगर शोन अबव. आपने देखा होगा अपने घरों में मदर जो है आपकी इस तरह से बटर निकालती है. किससे? छाछ से. क्या निकालती है? बटर निकालती है. तो आपने अपनी ग्रैंड मदर को भी देखा होगा. तो कर्ड की चर्निंग की जाती है, यानी कि कर्ड को घुमाया जाता है इस मशीन की हेल्प से, या जिनके पास ये मशीन नहीं होती तो वो हाथ की हेल्प से इस तरह से, या ब्लेंडर की हेल्प से भी कर्ड को घुमाती है, जिससे जो है वो हमारा बटर जो है वो निकल कर तैयार हो जाता है, ठीक है. तो आपने अपने घरों में बहुत कॉमनली देखा भी होगा. नाउ एक्टिविटी वन. तो टेबल ए में बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेसेस दिए हुए हैं. सेपरेशन, तो ये जो मैंने आपको टेबल पढ़ाया है वो यही इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो कि जंबल दिया हुआ, गलत दिया हुआ. तो आपको ये सही करना है, इसको मैच करना है, वन को मैच करना है आपको, ये ठीक है ए के साथ. जो ये टू, सॉरी, इसको मैच करना है, वन को मैच करना है आपको. सेपरेट स्टोन फ्रॉम द न्यू स्टोन, सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका, एक मिनट. को आप क्रॉस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है. ये इसके साथ आएगा वन, ठीक है. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, इसके साथ आएगा टू, ठीक है. ये कुछ नहीं, राइट. तो ये सही कर लीजिए अपने बुक के टेबल. तो इसमें इस टेबल के बारे में दिया गया है. आगे चलते हैं हम लोग. हाँ, अब जो सब्सटेंसेस हम लोग सेपरेट करेंगे ना, वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं. उनका शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, उनकी स्टेट अलग हो सकते हैं. यानी कि दो कंपोनेंट्स जो आपस में मिक्स हुए हैं, वो उनमें से एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कोई गैस हो सकती है या लिक्विड हो सकता है. तो हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको यूज करके हम लोग जो मटेरियल्स मिक्स हुए हैं आपस में, उनको आपस में से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, डू यू नो पिजन पी, यानी कि जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, इज कंटामिनेटेड विद खेसरी दाल. आपने सुना तो नहीं होगा, एक पिजन पी आती है, एक अरहर की दाल आती है. अरहर की दाल को तुअर की दाल भी बोलते हैं, जो कि येलो कलर की होती है. तो लोग क्या करते हैं, अपने मुनाफा कमाने के चक्कर में अरहर की दाल में एक थोड़ी सी पॉइजनस दाल होती है, जिसको बोलते हैं खेसरी दाल. क्योंकि अगर खेसरी दाल पॉइजनस इसलिए होती है, क्योंकि अगर हम उसको खा लेते हैं ना, तो हमारे नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो जाता है, नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर हो जाता है. तो लोग, दुकान वाले क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के चक्कर में, क्योंकि ये दाल सस्ती होती है, तो इस दाल को अरहर की दाल में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो अरहर की दाल है वो कंटामिनेट हो जाती है और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे जैसे मैंने बताया कि पैरालिसिस ऑफ लिम्स, यानी कि पैरालिसिस भी हो सकता है, एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर भी हो सकता है. तो पैरालिसिस में होता है क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ मस्कुलर फंक्शन, यानी कि आपकी मसल्स जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन करना बंद कर देती हैं, आपकी मूवमेंट भी बंद हो जाती है. तो इसलिए जो ये जो खेसरी दाल है, इसकी कंटामिनेशन जो होती है वो पिजन पी, यानी कि अरहर की दाल में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल होती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर. हमें जो दो या एक सब्सटेंस दिया गया है जिसके के अंदर दो तरीके की चीजें मिक्स हो गई हैं, उन्हें सेपरेट क्यों करना चाहिए. तो सबसे पहला तो ये होता है कि हमें जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, या जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो कि हमारे ईटेबल मटेरियल में मिक्स हो गए हैं, पहले हमें उनको सेपरेट करना चाहिए. तो पहली नीड तो हमारी ये है कि जो अनचाही चीजें हैं उनको, हमारी जो खाने वाली चीजें हैं, जब वो मिक्स हो जाती हैं तो हमें उनको अलग करना पड़ता है. तो फॉलोइंग सिचुएशंस को अगर हम इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जो आप दूध पी रहे हैं, द मिल्क that you are drinking is not pure. अगर उसके अंदर कोई harmful substance mix है, like कोई pond water उसके अंदर mixed है, जिसके के अंदर bacteria है, that would not be fit for your consumption.
तो वो आपके पीने के लिए क्या होगा, फिट नहीं होगा। उस केस में भी हमें क्या करना चाहिए, उसको मिल्क को हमें साफ करना चाहिए, मिल्क को हमें कंटामिनेटेड वाटर से अलग करना चाहिए। वीट या राइस ग्रेन्स जो आप स्टोर करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, उनके लार्वा डेवलप हो जाते हैं, उनके एग्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनको भी हमें सेपरेट करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे खाने को कंटामिनेट कर देंगे। तीसरा है कि वीट इज नॉट क्लीन्ड आफ्टर कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फील्ड। वीट जो हम लोग कलेक्ट करते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, जो कि ग्रेन्स कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, स्ट्रॉ, हे, ये सब कुछ मिक्स्ड होते हैं। तो अगर हम उनको खाएंगे, अगर हम उनको वीट को ऐसे ही ग्राइंडिंग करने के लिए भेज देंगे, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये स्ट्रॉ, हे है, ये भी सब क्या हो जाएगा, वीट के साथ मिक्स होकर आएगा। तो इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, वीट को क्लीन करना चाहिए ताकि उसके अंदर से कोई वीड ना हो, या छोटे छोटे कोई स्टोन्स ना हो, या इंसेक्ट ना हो, या उसका लार्वा ना हो। नाउ वाटर इज सप्लाइड टू योर होम्स इज नॉट क्लीन्ड एंड ट्रीटेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। अब जो पानी की सप्लाई हमें अपने घरों में मिलती है ना, वो क्लीन तो होता है बट दैट इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन एज सच। तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, या तो फिल्टर आउट करना पड़ता है, या हमें उसे क्लीन करना पड़ता है, यानी कि उसे बॉयल करना पड़ता है। बॉयल करने से ही उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो साफ होंगी एंड इट विल बिकम फ्री फॉर आर कंजम्पशन, राइट। नाउ अब हम लोग दूध को क्यों उबालते हैं, दूध को हम लोग इसलिए उबालते हैं क्योंकि दूध के अंदर जब दूध वाला दूध लेकर आता है हमारे घर पर, तो बाय द टाइम ही डिलीवर्स मिल्क टू आर होम, द मिल्क विल डेवलप सो मेनी बैक्टीरियाज। तो जो दूध होगा उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है बाय द टाइम डेवलप हो जाते हैं, जो कि दूध को खट्टा कर देंगे, इसलिए दूध हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए भी उसको बचाने के लिए भी हमें उसको क्या करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। बॉयल करने से क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं वो अपने आप मर जाते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनको किल कर सकते हैं या उनको अलग कर सकते हैं, या हमें दूध को छानना भी चाहिए दूध उबालने से पहले। देन मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं? मिक्सचर्स जो होते हैं ना, जैसे कि मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है, तो नाम से पता चल रहा है तो क्या पता चल रहा है कि मिक्सचर के अंदर क्या चीजें होंगी। मिक्सचर विल कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर जो होंगे ना उसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। मिक्सचर जो आप खाते हो ना घर पे, क्या खाते हो, भुजिया खाते हो, भुजिया में क्या होता है कि एक तो इस तरह की सेवे होती है, कुछ नट्स होते हैं, कुछ छोटी छोटी भुजिया होती है, तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। देन आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। प्योर मतलब एक ही तरीके की चीज होगी उसके अंदर, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि अब एक मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स जो भी प्रेजेंट है वो यूजफुल है, यानी कि हमारे फायदे के लिए है या हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन हमको उनको अलग अलग करना है। तो क्या यूज करोगे आप, क्या टेक्निक यूज करोगे? तो समटाइम्स वी सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। अगर हमें दो चीजें आपस में मिक्स हो गई और दोनों ही हमारे काम की हैं और दोनों के ही हमें सेपरेटली यूज करना है किसी अलग अलग चीज के बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि देर आर अ नंबर ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अब हमें पता है कि जो पेट्रोल, डीजल और जो केरोसिन है, ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं, ये हमें मिलते हैं जमीन के अंदर से। अब ये जमीन के अंदर से जब हमें मिलते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिक्सड होती हैं। उनमें से बहुत सी चीजें हमारी काम की नहीं भी होती और बहुत सी चीजें हमारे काम की होती भी हैं। जैसे कि जो कच्चा तेल जो जमीन से निकाला जाता है उसमें से बहुत सारी चीजें काम की होती हैं। उसमें से हम लोग केरोसिन को भी सेपरेट कर सकते हैं, उसमें से पेट्रोल और डीजल, ये सारी की सारी चीजें काम की होती हैं। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, कैसे उनको सेपरेट आउट करेंगे, तो उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो अब हम लोग उन टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हम एक एक करके इन मेथड्स ऑफ सेपरेशन को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में आपने देखा होगा कि आपकी मदर जो है वो एक बड़ी सी प्लेट में या बड़ी सी थाली में वो क्या करती हैं, जो दाल या जो राइस उनको साफ करनी होती है वो उस प्लेट में ले लेती हैं और एक एक करके उसके अंदर से जो स्टोन्स हैं, जो छोटे छोटे दूसरे पेबल्स हैं या बड़े बड़े पत्थर हैं या छोटे पत्थर हैं,
उनको क्या करती है, हैंड पिकिंग करती है, यानी कि हाथ से उनको चुभती है, हाथ से उनको निकालती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बाजार से जो हमारे पास चीजें आई हैं उसके अंदर हो सकता है कि पैकेट में दालों के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे शीट ऑफ पेपर, ये सब कुछ मिक्स हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको एक प्लेट में, उस पैकेट में जो दाने हैं उनको फैला लेंगे और हैंड यानी कि हाथ से जो स्टोन है या हस्क है या जो ब्रोकन ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं या जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हैंड पिकिंग में क्या होता है कि अगर हमारे ग्रेन जो है उसके जितना साइज का या उससे बड़ा या उससे छोटे साइज का अगर पार्टिकल होगा जो हमें विजिबल होगा, हम उसी को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, यानी कि प्रोसेस के अंदर टाइम ज्यादा लगता है। और पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन और हस्क जो होते हैं व्हीट या राइस और पल्सेस से, उन्हीं को ही हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक और खासियत ये है कि जो क्वांटिटी होती है इम्प्योरिटीज की, अगर वो ज्यादा नहीं हो तो ही हम लोग हाथ से निकाल सकते हैं। बट अगर क्वांटिटी ज्यादा है इम्प्योरिटीज की तो उसको एक एक करके हाथ से निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर क्वांटिटी कम हो तो ही हैंड पिकिंग जो होती है वो यूजफुल होती है। अब देखिए ये हैंड पिकिंग कर रहे हैं, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम द ग्रेन्स। अब ये ग्रेन्स हैं, ये राजमा के आपको दाने दिख रहे हैं, किडनी बीन्स दिख रहे हैं, इसमें से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, दे आर स्टोन्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, हैंड पिकिंग कर रहे हैं, यानी कि हाथ से इनको अलग कर रहे हैं। तो इसमें पार्टिकल्स का साइज जो है आपको दिख रहा है वो क्या है, बड़ा है। तो बड़े हैं इसलिए हमको इजिली दिखाई भी दे रहे हैं और इसीलिए इजिली इनको सेपरेट आउट किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। देन आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आपने देखा होगा, आपने गेहूं का जो फील्ड है कभी विजिट किया हो, तो किसान क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग में क्या होता है कि हमने देखा था, हम लोग देखते हैं कि किसान जो है अपनी फसलों को काटने के बाद खेतों में छोड़ देते हैं। खेतों में छोड़ने के बाद उनको क्या करते हैं कि एक बार फसल की जब हार्वेस्टिंग कर ली तो क्रॉप तो हमारे पास कटकर तैयार हो गई है, लेकिन अब हमें उसको, उसमें से जो ग्रेन्स हैं, जो दाने हैं सीरियल्स के, उनको अलग करना है। तो उसको अलग करने के लिए किसान जो है वो क्या यूज करते हैं, थ्रेशिंग का यूज करते हैं, या जो मशीन से थ्रेशिंग की जाती है उनको बोलते हैं थ्रेशर्स। तो थ्रेशर क्या करते हैं कि जो ग्रेन्स जो अटैच होते हैं स्टॉक्स के साथ, मान लीजिए ये गेहूं का प्लांट है, ठीक है, गेहूं के प्लांट में ग्रेन्स जो है वो गेहूं के प्लांट के साथ अटैच्ड हैं। अब हमें इन ग्रेन्स को अलग करना है, तो या तो क्या करेंगे, वो मैन्युअली करेंगे। मैन्युअली क्या करेंगे, क्रॉप को लेंगे, उनका एक बंडल बनाएंगे और उनको जोर जोर से हिट करेंगे किसी सॉलिड सरफेस पर, जिससे कि जो ग्रेन है वो क्रॉप से अलग हो जाए। या तो इस तरीके से किया जाता है, या बड़ी बड़ी मशीन्स यूज की जाती हैं जिनको हम बोलते हैं थ्रेशर्स। वो क्या करेंगे, इन बड़े बड़े क्रॉप्स के बंडल बना के उनको थ्रेशर जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर से निकाल देते हैं, जिससे ये जो स्टॉक पार्ट है प्लांट का वो अलग हो जाता है और इसमें से जो ग्रेन्स है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हम लोगों ने दो सब्सटेंसेस को अलग किया, मिक्सचर्स को अलग किया। तो या तो हम ये भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो थ्रेशिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होती है थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक से, यानी कि डंडियों से ग्रेन्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि बंडल्स बना के क्रॉप्स के, इस तरह से बंडल्स बनाकर उसे किसी सॉलिड सर्फेस पर जोर जोर से हिट किया जाता है, जिससे जो ग्रेन्स होंगे इसके अंदर से वो अलग हो जाएंगे और स्टॉक जो होगा वो अलग रह जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। या एनिमल्स जैसे कि बुलक है या ट्रैम्पल है, बुलक्स क्या करते हैं कि बड़े जो बैल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पैरों के नीचे इन क्रॉप्स के बंडल को रख दिया जाता है और जब बैल इसके ऊपर चलते हैं तो ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, उनके पैरों के दबाव से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और जो क्रॉप है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, स्टॉक्स अलग हो जाते हैं। या फिर हम लोग मशीन्स का भी यूज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स। क्या बोलते हैं, थ्रेशर्स, उनका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीन जो होती है ना बेसिकली लार्ज फील्ड में यूज की जाती है, जिनके खेत बड़े बड़े होते हैं वो ऐसा थ्रेशर्स को यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देन आते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है, इट इज द मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द हेवियर वंस। अब क्या हो गया, हमारा ग्रेन यहाँ से सेपरेट होकर हमारे पास आ गया, लेकिन उस ग्रेन में छोटे छोटे कंकड़ भी हो सकते हैं,
स्ट्रॉ भी हो सकता है, यानी कि इसी के क्रॉप के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। अब हमें उनको भी अपने सीड से, अपने ग्रेन से अलग करना है, तो क्या किया जा सकता है, इसको मैन्युअली भी किया जा सकता है, यानी कि हाथ से भी किया जा सकता है, या इसके लिए मशीन्स भी यूज की जा सकती हैं। तो विनोइंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो जो इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होता है कि एक बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है, इसकी पिक्चर भी दी हुई है, ये देखिए ये विनोइंग हो रही है। विनोइंग में क्या करते हैं कि इस तरह से लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, उसके अंदर ग्रेन को जो भी हमने सेपरेट किया है क्रॉप प्लांट से उसको ले लिया जाता है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लोअर चला दिया जाता है या हवा के टाइम पर ऐसा किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो उड़कर एक तरफ आ जाएंगे और हमारा जो ग्रेन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ से हवा चल रही है, तो ये जो ग्रेन होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेन जो है वो क्योंकि हैवी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो हे स्ट्रॉ जो होगा वो लाइटर होगा तो वो उड़कर क्या होगा, दूर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग जो है अपने डिजायरेबल सब्सटेंसेस को अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विनोइंग। तो जो जनरली क्या होता है, हस्क जो होता है ना, इसको हम हिंदी में तूड़ी भी बोलते हैं, वो जनरली जो है वो ग्रेन के साथ मिक्स हो जाती है, तो वो वैसे तो यूजफुल कंपोनेंट है क्योंकि हम उसको एज अ फॉडर यूज कर लेते हैं एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से हम अपने ग्रेन्स को हस्क से अलग कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग, क्या बोलते हैं, विनोइंग। नेक्स्ट आता है टू सेपरेट पीसेस ऑफ पेपर फ्रॉम द कार्डबोर्ड पीसेस बाय विनोइंग। अब हमें विनोइंग से जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको अलग करना है किससे, कार्डबोर्ड के पीसेस से। अब हमें पता है कि पीसेस ऑफ पेपर और कार्डबोर्ड जो है उनकी जो थिकनेस होती है या उनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है। तो मान लीजिए आपने एक शीट ऑफ न्यूज़पेपर लिया और एक कार्डबोर्ड लिया सेम डायमेंशन का, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया इक्वल साइज। अब आप क्या करेंगे, उनको एक ट्रे में रखेंगे और उनको मिक्स कर देंगे। अब आप उनको सेपरेट करना है, फिर आप क्या करेंगे, पैन को स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही आप पैन को स्विच ऑन करेंगे तो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं, वो क्या करेंगे, उड़ने लगेंगे, उड़कर वो अलग हो जाएंगे, और जो आपके कार्डबोर्ड के पीसेज हैं वो क्या रह जाएंगे, उसी ट्रे में रह जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग न्यूज़पेपर को और कार्डबोर्ड के टुकड़े को अलग अलग कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग, क्या बोलते हैं, विनोइंग, ठीक है। देन आते हैं हम सीविंग पर। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। हम लोग क्या होता है कि कभी कभार हमें फ्लोर से कोई डिश बनाने, बहुत सारे डिशेस हम लोग बनाते हैं, लेकिन उस आटे में भी क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि गेहूं के दाने ही आ सकते हैं। तो गेहूं के दाने को या ब्रैन को, जिसे हम बोलते हैं ब्रैन को, हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि ब्रैन को हिंदी में एक टर्म होती है उसके लिए, मुझे ध्यान नहीं आ रही है उसको। हम लोग जैसे आटा है, आटे को जब हम छानते हैं तो ऊपर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स बचते हैं उसको बोलते हैं ब्रैन, ठीक है। फिर हम लोगों को ब्रैन को अगर अलग करना है अपने व्हीट फ्लोर से, तो हम क्या करेंगे, छलनी से उसको छानते हैं। देखिए जैसे इस तरह से दिखाया हुआ है, छलनी से हम लोग छानते हैं, तो ऊपर आपका ब्रैन रह जाता है और नीचे आपका व्हीट फ्लोर आ जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग जो हमारा आटा है उसमें से भी जो छोटी छोटी इंप्योरिटीज रह जाती हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से सीविंग का प्रोसेस भी हमने देखा। अब हमें करना है कि छोटे छोटे पेबल्स को और छोटे छोटे स्टोन्स को अलग करना है सैंड से, तो इस तरह से भी हम लोग उसकी सीविंग कर सकते हैं। तो पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो बड़ी बड़ी छलनियाँ इस तरह से यूज कर ली जाती हैं, जो कि लोहे की भी बनी हो सकती है और लकड़ी की भी बनी हुई हो सकती है, इस तरह से भी हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम लोग सेपरेशन करते हैं। रेस्ट ऑफ द सेपरेशन टेक्निक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।